नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का स्पेशल शो पॉलिटिक्स का छोटा रिचार्ज, जिसमें हम दिन भर की जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरें आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं संसद से, जहां पूरे देश की तरह हैदराबाद गैंगरेप के एनकाउंटर का मामला छाया रहा। संसद में जैसा होता है, कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ इसके विरोध में थे। बवाल तब शुरू हुआ जब हैदराबाद घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी उन्नाव का मामला ले आए, फिर राम का नाम और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी उनसे भिड़ गई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक तरफ हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने भागने पर गोली से उड़ा दिया तो उन्नाव में जमानत दे दी गई, एक तरफ देश में राम का मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ देश में सीता मैया को जलाया जा रहा है। स्मृति ईरानी इस बात को पकड़ा और अधीर रंजन चौधरी को धर लिया। कहा, आज एक बंगाल से सांसद यहां पर मंदिर का नाम ले रहे थे और एक सांसद ने उन्नाव और हैदराबाद की बात की, लेकिन मालदा पर चुप्पी साध ली। खुद देखिए पूरा वाक्या। सर, यहाँ हम लोग बहुत सारे कानून की बात करते हैं, मृत्युदंड घोषणा करते हैं, बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगते हैं कि क्या हम पैसे की बुद्धिमान और पाउंड के मूर्ख हो क्या? कोई कमी नहीं दिखाई देता। सर, हैदराबाद आ गया, बंगाल में मालदा, फिर आ गया उन्नाव, कहाँ जाएं हम लोग, कहाँ जाएं हिंदुस्तान के लोग? एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ उस पर चुप्पी साध ली। उन्नाव में जो हुआ वो जघन्य अपराध है। क्या हैदराबाद में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? क्या एक लड़की का बलात्कार करके उसको जलाना अमानवीय है? क्या उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधों पर राजनीति करना क्या इससे किसी भी विक्टिम को कोई सहायता मिलेगी? मैं चर्चा समाप्त। संसद के बाहर हैदराबाद एनकाउंटर ही सबकी जुबान पर था, तमाम नेताओं के बयान आए। भाजपा नेता उमा भारती ने ट्वीट कर तेलंगाना पुलिस की जय जय की। कहा, मैं अब विश्वास कर सकती हूं कि दूसरे राज्यों के शासन में बैठे हुए लोग अपराधियों को तत्काल सबक सिखाने के रास्ते निकालेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती भी एनकाउंटर के पक्ष में दिखी, हालांकि उनका निशाना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर ज्यादा था। कहा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार सो रही है। यहाँ और दिल्ली की पुलिस को हैदराबाद पुलिस से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ अपराधियों के साथ सरकारी मेहमान की तरह बर्ताव किया जाता है। यूपी में इस वक्त जंगल राज है। आरोपियों की लिंचिंग की मांग करने वाली जया बच्चन का भी बयान आया, छोटा सा। कहा, देर आए दुरुस्त आए, पर ऐसा नहीं कि सब पक्ष में ही थे, विरोध में भी थे। एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर मुठभेड़ की जांच की जानी चाहिए, न्यायिक व्यवस्था से परे इस तरह के एनकाउंटर स्वीकार नहीं किए जा सकते। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, हमें और जानने की जरूरत है, यदि क्रिमिनल्स के पास हथियार थे तो पुलिस अपनी कार्रवाई को सही ठहरा सकती थी, जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए तब तक हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कानून से चलने वाले समाज में इस तरह का गैर न्यायिक हत्याओं को सही नहीं ठहरा जा सकता। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा, गैर न्यायिक हत्याएं महिलाओं के प्रति हमारी चिंता का जवाब नहीं हो सकती। पर सब लेफ्ट वाले ही नहीं थे, विरोध में राइट वाले भी थे। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने भी इस पुलिसिया एक्शन का विरोध किया। कहा, जो भी हुआ है वो इस देश के लिए बहुत भयानक हुआ है। आप लोगों को इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, उन्हें किसी भी तरह से कानून के जरिए ही सजा दी जानी चाहिए थी। ताजा जेल से छूटे पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम का भी इस पर बयान आया। कहा कि मैं तथ्य नहीं जानता कि आखिर हैदराबाद में क्या हुआ, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं कहूंगा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और मामला था। चलिए, ये तो बयान हो गए, बयान भी है, नेतागिरी भी है। जिसको जो सूट कर रहा है वो बोल रहा है, मगर हद तो उत्तर प्रदेश में हुई है। यहाँ रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं, उसी उन्नाव में जहां एक रेप पीड़िता को जिंदा जला दिया गया। वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है। सांसद महोदय को इस घटना के बाद भी ये ट्वीट करते हुए शर्म नहीं आई, उनके हाथ नहीं कांपे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसके विरोध में ट्वीट किया। कहा, कानून बनाने वाले बीजेपी सांसद बलात्कार के आरोपी एक बीजेपी नेता को बधाई का संदेश दे रहे हैं। कल ही उन्नाव में एक बलात्कार पीड़िता को आरोपियों ने जलाने की कोशिश की।
आरोपियों के पक्ष पर जब कानून बनाने वाले खड़े हो जाएंगे तो अपराधियों से लड़ने का हौसला कौन देगा। लालू यादव से जुड़ी भी एक खबर आई है। चारा घोटाले वाले मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। 6 दिसंबर को न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने सुनवाई पूरी की और जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि अभी उन्होंने सीबीआई अदालत द्वारा दी गई सजा की आधी अवधि न्यायिक हिरासत में पूरी नहीं की है। एक और सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके चुनाव को लेकर। याचिका समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी और बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने दायर की थी। याचिका में पीएम मोदी के चुनाव को चुनौती दी गई थी, मगर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जाते जाते फिर से लोकसभा में लौटते हैं, जहां स्पीकर साहब एकदम मास्टर साहब की तरह बैठते हैं। कोई सांसद जरा भी दाएं बाएं किया तो पड़ी डांट। 6 दिसंबर को घेरे में आए पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो प्रश्नकाल के दौरान लगे थे बातचीत करने में। बिरला ने उन्हें तुरंत टोका, कहा मंत्री जी प्रश्नकाल के दौरान बातचीत नहीं किया करें। बिरला साहब ऐसे ही डांट लगाते रहे, मगर उन नेता जनों को भी जो संसद में आए बाएं शाएं कुछ भी बोलते हैं, जिनको सड़क पर जाम देख मंदी नहीं नजर आती, जिनके यहाँ 25 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, अरे उनको बताओ वहां से प्याज लाकर दिल्ली में देते हैं। फालतू यहाँ उनके बीजेपी वाले साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स के छोटा रिचार्ज में आज इतना ही। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।